नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया एक स्पेशल वीडियो आपके लिए और ये पार्ट है 14। इससे पहले के पार्ट 13 अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जल्दी से जाके चेकआउट करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। आज पार्ट 14 में मैं आपको बाइलैटरल चार्ट पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी स्पेशल पैटर्न है, जब भी आपको चार्ट पे देखने को मिले तो वहाँ से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अभी हमारी जो सीरीज है वो बेसिकली आपको पता है बिगनर्स के लिए हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज पार्ट 14 है और हम ऐसे ही हर सैटरडे आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं, वीडियो लेकर आते हैं और उस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो भी पहले की तरह स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझेंगे बाइलैटरल चार्ट पैटर्न होते क्या है। तो देखो, बाइलैटरल चार्ट पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे ये जो बाइलैटरल चार्ट पैटर्न है इसमें असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल आते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डिसेंडिंग किस तरीके से काम करते हैं वो भी बताऊंगा, और सिमेट्रिकल जो ज्यादातर हमें चार्ट पैटर्न में देखने को मिलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है लर्न एंड अर्न के नाम से, वहां पे भी हम इन पैटर्न्स के बारे में ज्यादातर आपको बताते रहते हैं। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है, कमेंट आते हैं, भाई ये होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हम बना देते हैं। अब ये असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि असेंडिंग ट्रायंगल किस तरीके से काम करता है। और अगर मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहूं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और समझेंगे किसको, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल को। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, ये आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड में ये बाजार जो है ये कंसोलिडेट हुआ। अब जो कंसोलिडेट हुआ तो यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, बेसिकली एक ऊपर की ट्रेंड लाइन है, वो पूरी तरीके से क्या है, फ्लैट है। इस पॉइंट को यानी कि इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये कंसोलिडेशन फेज है, ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन है। इसको आप ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, इसको आप अप ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली एक अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, ऊपर फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन होगी और नीचे राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप करेंगे बाइंग। और जब आप बाइंग करेंगे तो ये जो पैटर्न है ये पूरा कंटिन्यू होगा और यहाँ पे ये जो ट्रेंड है जो अप ट्रेंड में चल रहा था, जो कंसोलिडेट हुआ, वो कंटिन्यू होगा। तो इसे हम ट्रेंड कंटिन्यूशन भी बोलते हैं, इसको भी हम कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न काफ़ी खास है, आपको जब भी चार्ट पे देखने को मिले आप इस पर अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे हमारे चैनल पर, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, हम ज़्यादातर ट्रेंगल्स के बारे में आपको बताते रहते हैं, चार्ट भेजते रहते हैं। तो जो कंफ्यूजन थी आपकी, भाई असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है, वो आपकी ये जो कंफ्यूजन है इस वीडियो के बाद दूर हो जाएगी। तो आशा करूंगा आपको असेंडिंग ट्रायंगल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो वहां से आप अपनी पोजिशन बाय बना के चल सकते हैं। इसके बाद है डाउन ट्रेंड लाइन। अब डाउन ट्रेंड लाइन में डिसेंडिंग ट्रायंगल बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न है बट ये डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन है। अब ये देखा, यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूशन देखने को मिला। अब कंटिन्यूशन देखने को मिला तो यहाँ पे डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन है, ये क्या डिसेंडिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और ये जो सपोर्ट है ये क्या है, फ्लैट लोअर ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो पूरी तरीके से फ्लैट है। और जब भी ये ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा यहाँ पे बेरिश कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। और जब भी सेलिंग करेंगे तो ये जो ट्रेंड है ये पूरी तरीके से क्या होगा, कंटिन्यू होगा। यानी कि ये जो डाउन ट्रेंड है इस कंसोलिडेशन के बाद ये और भी ज़्यादा नीचे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको चार्ट पे डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिले तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि डाउन ट्रेंड में होगा और ये डाउन ट्रेंड को और डाउन कर देगा। तो वहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी, वहाँ पे आपको सेलिंग करनी है और वहाँ पे आप ट्रेंड के साथ अपना ट्रेड बनाएंगे तो ट्रेंड आपका उस टाइम फ्रेंड होगा, आपके अगेंस्ट नहीं होगा। तो ट्रेंड को अगर फ्रेंड बनाना है तो डिसेंडिंग ट्रायंगल और इससे पहले जो असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है उसका आप सही से यूज़ करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इन दोनों की यूसेज के बाद आपके जो प्रॉफिट के चांसेस होंगे वो काफ़ी हद तक
बढ़ जाएंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे हम डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन को। देखो डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन क्या है कि यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड में बनेगा और ये क्या है, ये कंटिन्यूएशन जोन है। अब कंटिन्यूएशन जोन में होता क्या है कि यहाँ पे ये जो इसको हम बेसिकली सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ये अप ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे ये अप ट्रेंड लाइन में बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा और जब भी ये ब्रेकआउट होगा बेसिकली क्या, देखो एक रेंज है। अब एक रेंज है, अब जैसे बैलून होता है उसको हम प्रेस करते हैं तो वो ब्लास्ट होता है। तो ये एक रेंज है, ये बड़ी रेंज छोटी होती जा रही है। मान लो एक बैलून को आप प्रेस कर रहे हो और ये नैरो हो गया और नैरो होने के बाद जब ब्रेकआउट मिलेगा तो वहां से ये एकदम से ब्लास्ट होगा। तो यहीं पे ये आपको ब्लास्ट देखने को मिलेगा। बट ध्यान रखना है कि आपको यहां पे ब्रेक अप के अप या फिर आप कह सकते हैं ब्रेकआउट के बाद आपको एक बुलिश कैंडल देखनी है, बुलिश कैंडल के बाद ही आप अपना बाइंग ट्रेड यहां पे बनाएंगे। इसके बाद अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझे तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में बताया। हम असेंडिंग ट्रायंगल कैसे काम करता है, अप ट्रेंड में बनेगा असेंडिंग, उसमें कंटिन्यूशन पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल डाउन ट्रेंड में बनेगा डिसेंडिंग शेप में, तो मार्केट और डाउन होगी। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि अप ट्रेंड में बनेगा तो वहां से जो एक ट्रेंड है वो और भी ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट जो होता है वो कहीं भी किसी भी साइड में हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। बेटर ये है कि मैं आपको बोर्ड पे समझाऊं। अब बोर्ड पे देखते हैं कि जैसे कि ये क्या है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मान लो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया तो यहां से बाइंग बनी, राइट। अब हो सकता है कि ब्रेक डाउन भी हो सकता है, रेजिस्टेंस की तरह ये सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद आप बाइंग करते हैं तो ब्रेकडाउन के बाद आप सेल भी कर सकते हैं। ब्रेकआउट कहीं भी आ सकता है, ऊपर या नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो भी आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। अब यहां पे जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप एंटर हो सकते हैं वे रिटेस्ट लेवल, मतलब जहां पे रिटेस्ट करेगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। और उसके ब्रेकआउट के बाद आप फाइंड करेंगे अदर कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो होता क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ठीक है आपने एंट्री करी, आपने ब्रेकआउट के बाद आपने एंटर करा, फिर वो रिटेस्ट हुआ, उसके बाद भी ब्रेकआउट के बाद भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं जाऊँगा चार्ट पे। अब चार्ट पे हमने देखा कि भैया ठीक है यहाँ पे एक पैटर्न बना, अब पैटर्न बना, यहाँ पे मार्केट में तेजी आई, तेजी आने के बाद आपने देखा भाई तेजी आई और उसके बाद कोई शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, किसी भी तरीके का पैटर्न देखने को मिला, तो वहाँ से आप अपना ट्रेड रिवर्स भी कर सकते हैं। या फिर आपने देखा कि भैया ये ट्रायंगल पैटर्न बना और उसके बाद हाई या लो पे भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो वहां पे भी आप कंटिन्यूशन या फिर रिवर्सल कैंडलस्टिक के हिसाब से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, चार्ट को समझने के लिए, चार्ट एनालिसिस करने के लिए आपको कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो मैंने आपको आज बताया ये चार्ट पैटर्न का पार्ट है, बट इसके साथ साथ भी आपको कैंडलस्टिक को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक को इग्नोर नहीं करना, उसको बल्कि लेकर आना है। आप चार्ट पैटर्न करो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करो, हर जगह पे कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स है उसकी एक अहम भूमिका होती है, तो उसको भी आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो आशा करूंगा कि आज जो हमने बायलैटरल चार्ट पैटर्न के बारे में बताया उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।